अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी है खाने बनाने की छुट्टी, क्योंकि आज खाना बना रही है मेरी छोटी नंद। उसका दिल जा रहा था, बेटी भी बोर हो रही थी अम्मी घर पे आके, तो उसने बोला मैं बनाती हूँ आज की बिरयानी और चिकन बिरयानी। बहुत इजी तरीका है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, जो जो ट्राई करें ना इस रेसिपी को, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसी लगी, कैसे बनाई। ठीक है, चलें जी देखते हैं किस तरह से बनती है बिरयानी। ओके ओके, लेकिन अभी फिलहाल ये बता दें क्या क्या डाल दिया है, मैंने मिस कर दिया ना। मैं थोड़ा पहले मैंने अदरक लहसुन डाला, उसको मैंने भून लिया, उसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया, फिर चिकन को भून लिया, फिर उसके अंदर साबित गरम मसाले और उसके बाद कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक। ठीक है, और अब उसके बाद मैं जो कि हल्का सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर उसमें टमाटर डाल के खुला पकाऊंगी। ओके, अच्छा एक किलो चावल है तो एक किलो टमाटर लेने हैं, क्योंकि इसमें ना दही डल रही है ना प्याज। पकाऊंगी, खुला पकाऊंगी क्योंकि चिकन है तो दो मिनट में गलती है चिकन, तो वो इसी आँच पे गल जाएगी, हल्की सी स्टीम आ जाएगी, तो फिर मैं टमाटर को चलाऊंगी, अभी नहीं चला सकती। नीचे उतर जाते हैं, मैं जो मम्मी के पास जा रही है, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और ये बड़ी जल्दी झटपट बनने वाली बिरयानी, झटपट बिरयानी। हाँ, अब मैं इसको कवर करूंगी क्योंकि अब मैं हल्के से मिक्स कर चुकी हूँ, तो अब ये थोड़ी देर की तेज आंच में करके पकाना है चिकन को, स्लो नहीं करना। और यहाँ जो है मैंने और लीमू को छील लिया था, हरी मिर्च और सॉरी लीमू को छील के फिर कट किया है, हरी मिर्चों को ओवन दस्ते में कूट लिया है। अब बाकी ये हरा धनिया पुदीना है, ये दम पे डलेगा। और ये है क्या, ये जायफल जावित्री पाउडर, गरम मसाला, गरम मसाला और केवड़ा। सही, ये चाइनीज नमक है और इसके अंदर जर्दे का रंग है, ये मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। लेकिन दालचीनी से कर रही हूँ, फुल क्या होता है, फुल गाँव जाहिर से मतलब अभी तो गाँव वाली जिंदगी चल रही है। अभी आप देखिएगा कौन से स्टेप पर डालेंगे, फर्स्ट पे तो कर बता दिया, सेकंड स्टेप पे टमाटर डालें, थर्ड पे ये डालेगा, बिल्कुल, और आपके हो जाएगा बिरयानी का कोरमा तैयार। और फिर खाएं और मुझे दुआएं दें। और इसमें आलू तो नहीं डलते, लेकिन आलू जो है मुझे पसंद है, तो इसलिए जो है मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। अगर उसमें इसलिए नहीं पका रही क्योंकि आलू का फ्लेवर आ जाएगा, तो इसको दम पे रखेंगे बॉईल करने के। इसके अंदर मैंने नमक और जर्दे का रंग ऐड कर दिया है और फिर अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, तो फिर सारा काम समझे, हमारा बिरयानी का कोरमा भी डन हो चुका है, बस चावल में मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ चावलों के पानी में जो है नमक, जितने चावल लिए जैसे 5 कप 1.5 किलो चावल हैं, तो उसमें अच्छे खासे बादियान के फूल लिए हैं और ज़ीरा, ज़ीरा चाहे काला ज़ीरा ले लें, सफ़ेद ज़ीरा होता है एक काले ही
ख़राब लगाया है तो वो चेंज होना है, इसलिए अभी हम लोग ऊपर ही सब कुछ कर रहे हैं खाना पकाना। और बहुत प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे करने में, लेकिन जाहिर सी बात है खाना तो बनना है तो बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोग आजकल फ़िलहाल छत पे ही खाना बना रहे हैं। बहुत मज़े बनी थी, और ये तो मैं खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत ही मज़े की बनी थी। हमने तो खा लिया, आप लोग भी बना के खाइएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा, ऐसा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।